नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन जितावार आपके समक्ष हर हफ्ते कुछ न कुछ नए विषय पर बात करने के लिए उपस्थित होता हूँ। आपका प्यार बना हुआ है, आप उत्साह बढ़ाते हैं, कुछ न कुछ आप प्रश्न पूछते हैं और उसको जवाब देने में भी मज़ा आता है और दिमाग मेरा भी खुलता है। तो आज बात कुछ दिमाग की ही की जाए कि बहुत लोगों को चिंता होती है कि ये दिमागी क्षमता, ब्रेन पावर कैसी बढ़ाई जाए, क्योंकि आए कि समय के हिसाब से कहीं ना कहीं स्मृतियाँ लोपित होती जाती हैं, जिसको हम स्मृति लोप कहते हैं, याददाश्त कम होने लग जाती है, हमारे व्यक्तित्व के रंग में कुछ नए सोपान जुड़ना बंद हो जाते हैं और नया सीखना कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो ये परिस्थिति बनती है और कई बार क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को पहचानना बंद कर देते हैं और बहुत से हमारे ऐसे सीनियर मित्र हैं, बहुत से हमारे ऐसे रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, जो कहीं ना कहीं गुम जाते हैं। उनको ये भी याद नहीं रहता कि घर का रास्ता कहाँ है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी स्मृति लोप की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनको उठना, बैठना, खाने पीने में और दैनिक क्रिया में भी किसी की मदद की आवश्यकता पड़ती है। तो यह स्थिति कहीं ना कहीं हमारे मन को आहत करती है और हमें लगता है कि उम्र बढ़ते हुए कैसे हम अपनी बौद्धिक क्षमता, अपनी ब्रेन पावर को बढ़ाएं। तो आज का विषय कुछ इस तरह से ही है। सबसे पहली बात आती है कि सामान्य क्या है। देखिए, क्या होता है कि कई बार, जैसे मैं चश्मा लगाता हूं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि कभी कभार, कई बार नहीं कहूंगा पर हाँ, साल में एक आध दो बार कि मैं चश्मा ढूंढने लग जाता हूं, हर कोने पे ढूंढ लेता हूं, बिस्तर पे देख लेता हूं, फ्रिज, टीवी, हर जगह देख लेता हूं, कबर्ड में देख लेता हूं, पर पता चलता है कि चश्मा मैंने पहन रखा है। तो चश्मा पहने, चश्मा ढूंढने की अवस्था क्या स्मृति लोप की है? क्या मुझे स्मृति लोप हो रहा है? हाँ, अगर ये रोज हो जाए तो इसको स्मृति लोप कह सकते हैं, पर कभी कभार मित्रों ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कोई बहुत पुराने मित्र मिल गए, वो अपने को बहुत अच्छे से पहचानता है कि कैसे सचिन, क्या हो क्या हो, बहुत सालों बाद मिले और मैं हूं कि मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत सोच रहा हूं उआ वो मैं हूं कि इसका नाम क्या है, मैं कैसे इसका नाम भूल गया, क्या ये स्मृति लोप है? अगर ये रोज होगा तो ये स्मृति लोप है, दिनचर्या में होगा तो स्मृति लोप है, कभी कभार होगा तो स्मृति लोप नहीं है। कोई विशेष काम करना है, बताया गया है कि ये आप काम करके जाइए और इसको भूलना नहीं है, पता चला कि कभी कभार आप ऐसे काम को जाने अनजाने भूल जाते हो। बिजली का बिल पटाना है तो 2-4-5 महीने में एक आध बार कोई ना कोई बिल रह जाता है और वहां से रिमाइंडर आता है कि अब हम बिजली काट देंगे, तो क्या ये स्मृति लोप है? ये कुछ स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं हैं जो हर आदमी के जीवन में होती हैं। ये घटनाएं कहीं ना कहीं गाहे बगाहे हमको आहत करती हैं कि यार मुझे तो फोन नंबर याद रहता था, आज मुझे एक भी नंबर याद नहीं हो रहा। पहले तो मैं फटाक से बता देता था, आजकल कहीं ना कहीं मेरी बौद्धिक क्षमता कम हो रही है। तो ये बातें जब भी आती हैं तो हमको मन को बड़ा आहत करती है और कहीं ना कहीं जाना अनजाना एक डर दिमाग में बैठ जाता है कि क्या हमारी परिस्थिति भी हमारे इन मरीजों जैसी हो जाएगी जो कि छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों पर निराश्रित है। तो हमको भी बहुत चोट पहुंचती है और कहीं ना कहीं मन आशंकित और चिंतित हो जाता है। तो मित्रों, ये तो सामान्य बात है कि किसी चीज का भूल जाना, पर असामान्य कब होता है? असामान्य होने वाली परिस्थिति यह है कि ये रोज रोज हो और जीवन की जो दिनचर्या है उसमें तकलीफ देने लग जाए। मान लीजिए आपको चेहरे याद नहीं रहते हैं, आपको रिश्तेदारों के चेहरे याद रहते हैं, घर में रोज साथ रहने वालों के चेहरे आप भूलने लगते हैं, नाम आप भूलने लगते हैं, आप ऐसी क्रियाएं जो दैनिक क्रियाएं हैं उनमें भी करने में आप अक्षम हो जाते हैं। हमारे एक मित्र हैं, उनकी माता जी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, उनको माना जाएगा तो ये एक पाक कला में वो पारंगत है, पर अभी कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि पाक कला की उनकी पारंगतता कुछ ना कुछ कम होती जा रही है। कहीं वो थोड़ा सा नमक डालना भूल जाती हैं या कहीं कुछ ज्यादा मीठा हो जाता है या ज्यादा खारा हो जाता है। तो मित्रों ने आजकल क्या है कि होटल में खाना खाना ज्यादा पसंद किया है, पर अगर गहन विवेचना की जाए तो जिस इंसान की पारंगतता जिस विधा में थी, अचानक से उसके मल्टी स्टेप वाली विधा है पाक कला, बहुत कठिन काम है। तो अगर पाक कला में कहीं ना कहीं त्रुटि आने लग जाए, और जिस इंसान के बारे में ये कहा जाता था कि उनकी पाक शास्त्र की विधि गजब है और उनके हाथ में जादू है, तो ये एक खतरे की घंटी हो सकती है। कभी आप रोज चश्मा भूलने लग जाए, चश्मा पहन के चश्मा रोज ही ढूंढने लग जाए, तो ये परिस्थिति एक स्मृति लोप की परिस्थिति हो सकती है। छोटी छोटी बातों में
जीवन की सामान्य बातों में अगर रोज दिन प्रतिदिन ऐसा होने लग जाए तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी अवसाद आएगा। पर इसको लोग कहते हैं कि अरे ये तो बहुत भुलक्कड़ है, इसकी याददाश्त कम होती जा रही है, लोग उसको सामान्य ले लेते हैं। पर कभी कभार ये बीमारी के लक्षण होते हैं जिनको आप कहते हो स्मृति लोप यानी डिमेंशिया। प्रायः सबसे ज्यादा कॉमन डिमेंशिया तो अल्जाइमर्स डिजीज है, पर हिंदुस्तान में हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और ये बीमारियां भी बहुत हैं। तो छोटे 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 लकवे जिनको मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया स्टेट कहते हैं, ये भी धीरे धीरे इन लकवों से हाथ पैर नहीं रुकते, पर आपके चेहरे की चमक, आपके दिमाग का बौद्धिक स्तर और आपके इंटेलेक्चुअल स्किल्स कम होने लगते हैं। तो इसको मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया स्टेट कहते हैं। कई बार कुछ विटामिन की कमी के कारण, बहुत से कारण हैं जिसके कारण स्मृति लोप होता है। पर आप बोलोगे डॉक्टर साहब आप तो मेटाबॉलिज्म के डॉक्टर हो, ये कहाँ पड़ गए आप नसों से संबंधित मामले में। तो मुझे लगा ये जो बौद्धिक क्षमता बढ़ाने का जो है इसका जो उत्तर है, हमेशा उत्तर महत्वपूर्ण होता है, उपाय महत्वपूर्ण होता है, समाधान महत्वपूर्ण होता है। और समाधान के पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें कारण पूरी तरह से चयापचय और मेटाबॉलिज्म से संबंधित है, इसलिए मैंने ये विषय लिया है। अब बात आ गई, डॉक्टर साहब आपने बता तो दिया कि समस्या सामान्य क्या है और असामान्य क्या है, आप कुछ निदान भी बताइए कि केवल आप में बीमारी के धुंधलके में ही छुपा के रख देंगे और उस कोहरे में कहीं हमें भविष्य में की कोई किरण नहीं दिखेगी तो कैसे चलेगा। तो इस धुंधलके के बीच में किरण हमारे जीवन से आती है, क्या करें, क्या करना चाहिए। तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या है जो कि महामारी की तरह उभर के आ रही है और जिसका भविष्य में इस बीमारी से भी सीधा सीधा संबंध होगा, और जिसका मैं डॉक्टर हूं वो है मधुमेह। देखिए मधुमेह बीमारी है धमनियों की, बीमारी है शुगर की, बीमारी है इंसुलिन की, चयापचय की, मेटाबॉलिज्म की, मोटापे से भी इसका संबंध, ब्लड प्रेशर से भी इसका संबंध, हार्ट डिजीज से भी इसका संबंध, लकवे से भी इसका संबंध। तो जो मधुमेह नियंत्रण करेंगे तो आपकी जो छोटी नसें हैं जो दिमाग को भी सप्लाई करती हैं, दिमाग को भी खून की आवश्यकता होती है, नया सृजन करने के लिए शुद्ध खून की सप्लाई जरूरी है। अगर शुद्ध खून की सप्लाई नहीं होगी तो जो नए ब्रेन सेल्स हैं वो नहीं बनेंगे, और नए ब्रेन सेल्स नहीं बनेंगे तो स्मृतियां को संजो के कैसे रखेंगे, आपकी वो बैटरीज कैसे रिचार्ज होंगी जिससे आपका मेमोरी बैंक बढ़ेगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक अच्छे मधुमेह रोग विशेषज्ञ यानी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखाइए, और आपको अगर शुगर की बीमारी है तो उसको नियंत्रित करिए, खाली पेट 100, भरे पेट 180 के अंदर, और 3 महीने का एवरेज लगभग 7% रखिए। तो मधुमेह आपको अगर है तो उसको नियंत्रित करिए। अगर आपको पता नहीं है कि आपको मधुमेह है और आपको लगता है ज्यादा भूख, ज्यादा पेशाब, ज्यादा प्यास हो रही है, तो मधुमेह की जाँच कराइए, आपके डॉक्टर आपको समुचित इलाज करेंगे। फिर उनको बोलिए कि मेरा ब्लड प्रेशर देखिए साहब, क्योंकि ब्लड प्रेशर की भी समस्या हिंदुस्तान में बहुत कॉमन है। गाहे बगाहे हर दूसरे तीसरे आदमी को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। बीपी बढ़ने का संबंध तनाव से भी है, जीवन शैली से भी है, आपकी चयापचय संबंधित बीमारी से भी है, मोटापे से भी है, और नाना प्रकार की अन्य समस्याओं से भी है। इसलिए ब्लड प्रेशर आप नियंत्रित करिए। ब्लड प्रेशर नियंत्रित करेंगे तो स्मृतियां बहुत अच्छे से बनी रहेंगी और भविष्य में स्मृति लोप होने की स्थिति नहीं रहेगी। ठीक है, हमने एक शुगर नियंत्रित कर लिया, हमने बीपी नियंत्रित कर लिया, अब क्या? कोलेस्ट्रॉल पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है ये इन बीमारियों की जननी है। अगर खून की नसों में, दिमाग की नसों में जम गया तो आपको स्ट्रोक यानी लकवा लग सकता है, हृदय की धमनियों में रुकावट आ गई तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है, वैसे ही गुर्दे में असर आएगा, शरीर की हर जगह कोलेस्ट्रॉल का महत्व है। तो कोलेस्ट्रॉल को धमनियों में जमने से रोकना स्मृतियों को बचाने जैसा है, क्योंकि दिमाग को भी, मैंने कहा ना कि दिमाग को भी नई नई खून की धमनियों की आवश्यकता होती है ताकि नए सेल्स आपकी मेमोरी को बचा के रख सकें, आपके स्किल्स को बचा के रखें, आपकी बौद्धिक क्षमता को उसकी वृद्धि कर सकें। तो आपने ब्लड प्रेशर नियंत्रित किया, शुगर नियंत्रित किया, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित किया, इसके बाद अब क्या? कई बार क्या होता है कि लोग अवसाद ग्रस्त हो जाते हैं, हमारे बहुत से मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब बहुत टेंशन है, कुछ सूझता नहीं है, नींद अच्छे से नहीं आती, दिन भर तड़तड़ तड़तड़ होती रहती है। और एक नई चीज देखिए डॉक्टर साहब, कि छोटी छोटी बातें जो मैं याद रख सकता था वो अब मुझे याद नहीं रह रही। मैं चाबियां भूल जाता हूँ, मैं फोन के नंबर भूल जाता हूँ, कोई घर के जरूरी काम भूल जाता हूँ, मेरी याददाश्त बड़ी कमजोर हो रही है, ये क्या परिस्थिति है?
देखिए, अवसाद अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है और मधुमेह के रोगियों में भी, जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूँ, 40% मधुमेह के रोगियों को अवसाद है, डिप्रेशन है। तो ये जो डिप्रेशन है ना, कई बार क्या होता है कि इसे डॉक्टर भी पहचान नहीं पाते, क्योंकि शुरुआती दौर का डिप्रेशन बहुत एक सूर्य की हल्की सी किरण की तरह होता है। वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में अंधकार लाता है और ये अंधकार आप महसूस नहीं कर पाते। तो ये जो अंधकार है जो कि अवसाद के रूप में आ रहा है, तो आपकी याददाश्त पे बुरा असर डालता है और आपको लगता है कि मुझे स्मृति लोप हो रहा है। तो जब हम डिप्रेशन ठीक करते हैं तो हमारे बहुत से मरीज बहुत खुश होकर आते हैं और ये कहते हैं कि साहब, आप तो, मेरा जीवन बहुत अच्छा हो गया, भूलना भूलना सब बंद, और एक थकान सी लगती रहती थी जिसका कोई जवाब नहीं था, वो थकान भी चली गई। कमाल हो गया डॉक्टर साहब, आपने तो चमत्कार कर दिया। अब डिप्रेशन भी हमने ठीक कर लिया, उसके बाद भी कुछ हमारे मित्र हैं, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि वो रात में सोते समय, जिनका शरीर का वजन ज्यादा है और रात में सोते समय वो खर्राटे लेते हैं, बीवी भी शिकायत करती है कि भाई ये ठर ठुर जो खुर खुर चलता है इससे मेरी नींद खराब होती है, इसका कुछ करिए। और ऐसे इंसान रात में 2-3 बार 4 बार इनकी नींद खुलती है और दिन में ये बैठे बैठे सोने लगते हैं। सुबह के समय आप इनको पूछेंगे तो बोलेंगे, यार नहीं, अभी मेरा मूड अच्छा नहीं है, मुझे सर भारी भारी लग रहा है, चिड़चिड़ापन भी है, और देखेंगे तो बीपी भी बढ़ रहा है, शुगर भी बढ़ रहा है, कुछ लोगों को हृदय रोग भी हो जाता है, कुछ लोगों को लकवा भी हो जाता है, कुछ लोगों के गुर्दे में भी खराबी आ जाती है। तो ये क्या स्थिति है मित्रों? ये नींद का रोग है जिसको कहते हैं स्लीप एपनिया सिंड्रोम। स्लीप एपनिया सिंड्रोम में भी याददाश्त कम होने लगती है, क्योंकि अगर कोई रोज आपका रात में गला दबाएगा तो कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ बुरा असर तो पड़ेगा। तो याददाश्त कम होने का एक ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो अगर आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है तो इसका भी निदान करिए। इसके अलावा, क्योंकि मैं चयापचय का डॉक्टर हूं, तो आप थायराइड का ध्यान रखिए। थायराइड हार्मोन की कमी, हाइपोथायराइडिज्म आदमी को एकदम बुद्धू सा बना देती है, मन एकदम ही शांत रहने लगता है, सुस्त रहने लगता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, चेहरा भी फूला फूला लगने लगता है और आवाज भारी होने लगती है। ऐसी परिस्थिति में भी याददाश्त कम हो जाती है तो आपको हमेशा थायराइड का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमने थायराइड भी देख लिया, वो भी नॉर्मल आता है, तो और हमें क्या करना चाहिए? इसके अलावा बहुत लोगों का पेट भी खराब रहता है, गाहे बघाए गैस होती रहती है, मतली आने लगती है, गैस निकली, बदबूदार गैस निकलती है। तो ऐसे लोगों को भी मेरी सलाह है कि सबसे ज्यादा दिमाग को चलाने वाले न्यूरो ट्रांसमीटर्स, जो हार्मोन का उत्सर्जन होता है, जो हार्मोन दिमाग के लिए जरूरी हैं, बहुत से ऐसे हार्मोन्स हैं जिनका सीधा सीधा संबंध आपके पेट से है, तो इन हार्मोन्स का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिर तनाव कम करना पड़ेगा, जीवन में जब भी तनाव रहेगा तो भी आपकी याददाश्त कम होने लग जाएगी। और नियमित व्यायाम करें, भोजन सही मात्रा में लें, एक आदर्श भोजन, मैं हमेशा कहता हूं ना कि मधुमेह का भोजन जो डायबिटिक डाइट है वो कायदे से देखा जाए तो शतक मारने का प्रयोजन है। आप अगर सही में भोजन लेते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं और डॉक्टरी सलाह में रहते हैं तो आपका जीवन 100% देख सकता है। तो ये खुशियां, ये जो चिरायु जीवन और चिर यौवन सभी चाहते हैं, तो इसकी कुंजी कहाँ है? इसकी कुंजी आप स्वयं, आप जागृत होइए और बहुत अच्छे से भोजन लीजिए, सही तरीके से भोजन लीजिए। भोजन में क्या, डाइट की बात आ गई तो लोग बड़े उत्साहित हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ खाने पीने के बारे में तो बताइए। देखिए, खाने पीने के बारे में नाना प्रकार की चीजें हैं, स्टडीज, बहुत सारे शोध हैं, कहते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड लीजिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको समुद्री मछलियों से मिलता है। बहुत से लोग वेजिटेरियन हैं, वो बोलेंगे हमारे लिए क्या? तो उनको मैं ये कहूंगा कि थोड़ा बहुत इसका जो है मात्रा में ये आपको मिल जाता है आपके ड्राई फ्रूट्स में भी, आपके बादाम में भी मिल जाता है, अखरोट में भी मिल जाता है, कुछ अंकुरित अनाज में भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। पर शाकाहारियों के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड दवा के तौर पे अगर वो फिश ऑयल ले लें तो मिल सकता है उनको। पर इसके बारे में भी शोध ऊपर नीचे हैं। कुछ शोध कहते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने से दिमाग की बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, कुछ कहते हैं कि नहीं बढ़ती। फिर ये बात आती है तो इसका हमेशा ध्यान रखना है। और क्या कर सकते हैं? हमें हमें ऐसा लेना है कि तालाबुना भोजन कम लेना है, ज्यादा मीठा वाला भोजन नहीं लेना है, ज्यादा वसा युक्त भोजन नहीं लेना है, हमें फाइबर बढ़ाना है, रेशेदार चीजें बढ़ानी है। अगर आप अनार का या संतरे का जूस पी लेंगे तो मैं तो कहूंगा ये शक्कर का पानी पी लिया, पर अगर वो साबुत फल खाएंगे तो मैं कहूंगा हाँ, आपने बहुत गुणकारी चीज ली है,
जिससे आपको बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स सब मिलेंगे। तो ये अंतर आ जाता है, आपको उसी चीज में देखिए कि सब्बीज का सार या अर्क निकालने की कोशिश ना करें, साबुत फल खाने की कोशिश करें, नियमित व्यायाम करें, अंकुरित अनाज बढ़ाइए, ओमेगा 3 फैटी एसिड आप बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे साहब बहुत सारे सप्लीमेंट्स और विटामिन्स आते हैं, तो सप्लीमेंट्स और विटामिन्स के बारे में ये कहूंगा कि ये अथाह संसार है। इसके बारे में कुछ लोग बोलते हैं कि विटामिन डी लेने से फायदा होता है, कुछ लोग कहेंगे विटामिन B12 लेने से फायदा होता है, कुछ लोग कहेंगे कि विटामिन ई से फायदा होता है, और बहुत सारे शोध हैं जो इनके पक्ष में बात करते हैं, बहुत सारे शोध हैं जो इनके बोलते हैं कि इनसे फायदा नहीं होता। तो ये चीजें कुछ प्लस माइनस हैं, पर आप एक अच्छे डॉक्टर की सलाह में, अपने फिजिशियन की सलाह में, अपने एंडोक्रोनोलॉजिस्ट की सलाह में आप इन चीजों का सेवन सही मात्रा में कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के रंग बने रहेंगे। और फिर आप नियमित व्यायाम करिए। व्यायाम कितना? कम से कम 40-45 मिनट का व्यायाम करिए। बहुत ज्यादा रिग्रस एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, पर ऐसा व्यायाम करें जो कि थोड़े बहुत दिल की धड़कनों को बढ़ाए। फिर इसके साथ साथ आप टेंशन तनाव कम करिए, ब्रेन की कसरत करिए, दिमागी कसरत, क्योंकि शरीर की कसरत तो हो गई, आपने योग करा तो भी शरीर की कसरत हो गई, दिमागी कसरत कैसी होगी? तो दिमागी कसरत के लिए सबसे पहले मैं ये कहूंगा ध्यान लगाना चालू करिए। हमारे मुस्लिम भाई बंधु 5 बार नमाज पढ़ते हैं, तो वो भी एक बहुत ही उत्तम प्रकार का ध्यान है, तो नमाज ढंग से पढ़िए। हमारे जो दूसरे धर्मावलंबी हैं हिंदू भाई बहनों के लिए भी ये कहूंगा कि आप गायत्री मंत्र का जाप भी कर लीजिए, जहां आस्थाएं हैं उसका भी पूरा भरपूर उपयोग करें। कुछ लोग पजल्स के शौकीन हैं, वो पहेली सुलझाने में बहुत ज्यादा आतुर रहते हैं, तो वो जो दिन भर आपने देखा होगा क्रॉसवर्ड देखते रहते हैं, कुछ लोग सुडोकू देखते रहते हैं, इसके बारे में भी शोध कुछ कहते हैं कि हाँ भाई फायदा हो रहा है। अब ये शोध अलग अलग जगह से किए गए शोध हैं, कुछ हिंदुस्तान में हुए हैं तो कुछ अमेरिका में हुए हैं, कुछ यूरोप में हुए हैं, तो उनकी परिस्थिति और उनके पैमाने अलग अलग थे, तो बिल्कुल स्पष्ट नहीं कह सकते, पर शोध ये कहते हैं कि इनसे फायदा हो सकता है। तो हमेशा ऐसी चीजें करिए जो कि आपको कहीं ना कहीं आपको आपके दिमाग के सेल्स को जागृत करे, सोचने के लिए आपको मजबूर करे, और सही दिशा में सफलता की भी अनुभूति हो। आपने पजल सॉल्व कर ली तो एक तो उसमें बहुत मेहनत हुई, तिकड़म लगाई आपने दिमाग की, और आखिर में जब पजल पूरी हो जाती है तो एक उपलब्धि भी आती है। तो नई भाषा सीखना भी एक इसी तरह से है। मैं नहीं कह रहा कि आप चाइनीज भाषा सीख लीजिए या कुछ फ्रेंच सीख लीजिए, पर कोई भी नई चीज अगर आप सीखते हैं तो आपके जीवन में नया उत्साह भी आता है, और आपकी दिमागी परिस्थिति में भी, आपकी बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि होती है। तो ये सब तरीके हैं जिससे आप जीवन को लंबा बना सकते हैं, और जीवन का लंबा बनाना ज्यादा आवश्यक नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी है बौद्धिक क्षमताओं के साथ जीवन को लंबा और स्वस्थ बनाना है। तो इन शैली के लिए जरूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमें स्मृति लोप हो जाए, याददाश्त चली जाए, और घर वाले परेशान होते रहे हमारी सेवा करते हुए। तो आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी, एक नई अलख जगानी होगी। हमेशा अपने दिमाग को कुछ न कुछ बौद्धिक चारा भी दीजिए, जिससे उसकी बौद्धिक क्षुधा पूर्ति हो पाए, और दिमाग में नए हार्मोन उत्सर्जित हों, और खुशियों की तरंगे बढ़ें, और उपलब्धियों का एक पिटारा वो जमा करके रख ले, ताकि कहीं भूलने वाली बात ना आ जाए। तो आशा है आप अपनी बौद्धिक क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और जीवन में खुशियां लाएंगे। धन्यवाद।